सरकार ये खालिद साहब ने कहा कि ये आग का काम तो हो गया जी, अब आग पानी मिट्टी हवा ये इनके चीजों के ऊपर जरा रोशनी प्लीज डालिएगा सरकार। आके आ नसीम, आग हवा पानी मिट्टी ये चार अरबा अनासर हैं, इनको अरबा अनासर में गिना जाता है, इनका जो है ना मरकब इंसान है। तो देखें अगर तो ये चारों चीजें एक दूसरे की मुखालिफ है। ठीक है, आग जो है पानी जो है वो आग का मुखालिफ है। पानी को जितना मर्जी आप आग के ऊपर गर्म कर लेना, पर वो उसी थोड़े से पानी जो गर्म हुआ है उस आग के ऊपर वो उस इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए काफी हो। वाह वाह, क्या बात। इसी तरीके से मिट्टी ले लें, मिट्टी आप देख लें कि मिट्टी आप साफ पानी में डाल दें तो वो पानी आप नहीं पिएंगे, उसी मिट्टी ने वो पानी को जनाब खराब कर दिया, उसका रंग खराब कर दिया। अब उसी पानी को उस मिट्टी में डालें, ज्यादा मिट्टी है तो वो उस पानी को गारा बना देगा, उसको खराब कर देगा, खुशक को तर कर देगा। इसी तरीके से हवा है, हवा को देख लें वो भी आग के मुखालिफ है, आग को और भड़काती है, तेज करती है, उसे ताकत अता करती है। पानी है, हवा पानी का रुख बदल देती है, हवा उससे ज्यादा जो है वो ताकत में है। मतलब ये चार चीजों का मरकब जो है ना, चार चीजों का जो है ये इंसान है, लेकिन जिन चीजों से बने हैं वो चीजें आपस में एक दूसरे की मुखालिफ है। इनका जो मिक्सचर है वो इंसान है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बहू ने इसीलिए तो फरमाया है ना कि ना कर मिन्नत ख्वाज के जर्दी तेरे अंदर आ जाती हो। भाई तुझे खिजर की मिन्नत करने की जरूरत नहीं है कि मुझे आ जाती कह लो, बता कि वो आ जाती जो पानी है जिसके बारे में मशहूर है कि पियो तो जिंदगी जो है वो मिल जाती है, बंदा मरता नहीं है। ये वो मौत नहीं, ये कोई और बात किसी और चीज का तस्कर है, लेकिन वो अंदर की बात कर रहे हैं। भाई तुम्हारे अंदर वो आ जाती मौजूद है। और फिर एक जगह पे फरमाते हैं कि 14 तबक ये भी तुम्हारे अंदर मौजूद है, 14 तबक। अब 14 तबक ये इन सब चीजों का जो मेहर है ना वो इंसान है। इंसान मुकम्मल ही तब होता है जब उसे किसी गुरु या शेख से को मार्फत मिले, वो फिर इन चार चीजों को आग हवा पानी मिट्टी, आग हवा पानी मिट्टी इन चीजों को अपने अंदर खोजे तलाश करे। जब वो इन चार चीजों को खोज कर अपने अंदर तलाश कर लेगा तो वो मुकम्मल कामल कलंदर अकमल फकीर है, दरवेश है। क्योंकि वो कायनात का मालिक कहते हैं ना कि मैं कायनात का मालिक हूं, हर चीज मेरे कब्जे है, कुदरत में है। तो ये जिस्म भी एक मलकियत है, इस जिस्म की जिसके पास हुक्मरानी मौजूद है कि यानी दिल दिमाग जान एक उसके इशारे के ऊपर वो सब चल रहे हो, तो फिर ये असल हुक्मरानी बनती है। ये जिस्म की हुक्मरानी और ये आग हवा पानी मिट्टी ये चार नासर है, इनको अरबा नासर में गिना जाता है, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है और इंसान इसी का मुरक्कब है। अल्लाह।